नमस्ते, स्काई ड्रैगन ने हमें यहाँ भेजा है। स्काई ड्रैगन मेरे पुराने मित्र हैं। मैंने तुम लोगों के लिए सबसे ऊपर वाला कमरा तैयार रखा है, जहाँ से नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। इतने बड़े होटल में तुम्हारे अलावा कोई और काम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। बिपू, ये बहुत ही आधुनिक होटल है, जहाँ सब काम मशीनों से होता है। असली मुसीबत तो कपड़े धोने का काम है। अगर कपड़े धुलवाने का कोई आधुनिक तरीका होता तो कोई बात होती। कपड़ों को इन पाइप्स में डाल दीजिए, कपड़े सीधे वॉशिंग मशीन में गिरेंगे और धुल कर अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे। माफ करना, लगता है मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई। अच्छी हुई है चमकीला। हाँ रंगीली, अब वक्त है अपने असली कला का इस्तेमाल करने का। हम सब की कोई ना कोई चीज चोरी हुई है, किसी की घड़ी तो किसी का बैग। इस होटल में कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है क्या? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आप सभी अपना सारा कीमती सामान हमारे खास लॉकर में रख दीजिए। इसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। सामान यहाँ सुरक्षित रहेगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही कहा था यहाँ आते ही चोरी करना शुरू करो। अब देखो, सब लोगों ने अपना सारा कीमती सामान इस लॉकर में रख दिया। अब हम क्या चुराएंगे? अरे रंगीली, मेरी बात तो सुनो। ये लोग लॉकर में अपना सारा सामान नहीं रख पाएंगे। हम वो सामान इनके कमरे में जाकर चुराएंगे। पहली बार कोई चोरी की शिकायत आई है। अगर तुम लोगों के पास कोई भी कीमती सामान है तो नीचे लॉकर में रख दे। मेरे पास एक बेहद कीमती चीज है, बैंजो एलियंस का दिया हुआ एक खुशबूदार इत्र। इसे संभाल कर उस लॉकर में रख देना। चलो, अब हमारे कार्यक्रम का वक्त हो गया है। शुक्र है कि ये लॉकर है, इसीलिए अब यहाँ और चोरियाँ नहीं हो सकती। अगर कोई भी इस लॉकर को खोलने की कोशिश करेगा तो इसमें से अपने आप अलार्म बजने लगेगा। अब देखता हूँ, आज का कार्यक्रम बराबर तो चल रहा है ना? ग्रह सोना में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मेरा बनाया हुआ नया खिलौना कहाँ गया? एक ऐसा रोबोट जो हर कमांड ले सकता है। ये चोर हमारे कमरे में घुसा कैसे? मुझे तो बीबू पर शक हो रहा है। मेरी मास्टर की भी गायब है। पता नहीं किसी ने मेरी जेब से मास्टर की कब निकाली। टेल के बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। अगर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, तो इसका मतलब चोर अभी भी इस होटल में ही है। दोस्तों, इस चोर को ढूंढने में और सबका चुराया हुआ सामान वापस लाने में हमें सबकी मदद लेनी होगी। जाओ। ठीक है, आओ हलास, आओ दोस्तों। चमकीला, अब हम क्या करेंगे? ये तो हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं। चोरी का इतना सारा माल
पास एक तरीका है इस चोरी के सामान को ठिकाने लगाने का। मैं ये सारा सामान लॉन्ड्री के पाइप से नीचे फेंकूंगी, तुम नीचे जाकर इन्हें समेट लेना। चमकीला, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। तलाशी लेने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी ना। पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा। बच गए। ये चमकीला भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकता। बस ये एक आखिरी कमरा बचा है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच। मुझे भी। किए कराए पर पानी फेर दिया। ये तो मेरा सूटकेस है। यानी चोर हमेशा हमारी आंखों के सामने ही थे और हमें पता तक नहीं चला। लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। कालिया, अखरोट, तुम्हें ये चोरी का सामान कहाँ मिला बताओ? नहीं नहीं, नहीं, नहीं हमने कोई चोरी नहीं की। कालिया को केक चाहिए था और फिर अचानक से कुछ आकर हमारे ऊपर गिरा, पर हमने कोई चोरी नहीं की। दोस्तों, कालिया मेरा साथी है, मेरे साथ उसने कई बार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये दोनों चोरी कर ही नहीं सकते। मुझे भीम पर पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो हमने देखा क्या वो सब झूठ है? इन्हें स्पेस प्रिजन भेजना ही होगा। नहीं, मुझे जेल नहीं चाहिए। शांत हो जाओ, स्काई ड्रैगन मेरे पुराने मित्र हैं और उसी के नाते मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा। भीम, अगर इन दोनों ने चोरी नहीं की तो तुम्हें ही असली चोर को ढूंढ निकालना होगा। ठीक है बीबू, अब जब तक हम उस चोर का पता नहीं लगा लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। सवारी के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तो बढ़िया हूँ और ये बुलबुले तो और भी बढ़िया है, बिल्कुल नरम मुलायम गद्दे की तरह। स्काई ड्रैगन, क्या हम इन बुलबुलों के अंदर बैठ अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं? हुकुम, जल्द ही मैं तुम्हें इन बुलबुलों में कैद करके अंतरिक्ष के सुनसान अंधेर ग्रह की सवारी पर भेजूंगा। हुकुम को सलाम करो। हुकुम। अजीब बात है, बुलबुला नगर में बुलबुलों की सवारी की दुकान कब से खुल गई? हमें भी बुलबुलों की सवारी चाहिए। ठीक है बच्चों, आओ सवारी करते हैं। घोड़े की सवारी भी होती है। चल मेरे घोड़े। रुको बच्चे, तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी थी। किसे बुलबुला नगर में बुलबुलों की मजेदार सवारी करनी है? यहाँ ऊपर देखो, छोटे छेद हैं। भीम, ये आदमी कोई और नहीं हुकुम है। उसका क्रिस्टल बॉल देखो। सब जल्दी बाहर निकलो, ये हुकुम है। दरवाजे बाहर से बंद है। कभी नहीं। अब तुम भी
ही मेरे कैद में हो। ये क्या, पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं, ये जादुई बुलबुले हैं, जादुई। भीम, हुकुम की जादुई छड़ी लानी होगी किसी तरह। रास्ता मिल गया। हुकुम को हराना इतना आसान नहीं है।
बस हम पर कितने जज रहे हैं। क्यों ना हम इन बच्चों को समर्थक क्यूब दिखाने ले चले। हाँ हाँ जरूर। ये समर्थक क्यूब जिसकी हम परसों से रक्षा कर रहे हैं, जो इसको हासिल करेगा उसे ताकतवर वायु शक्ति प्रदान होगी। इस क्यूब की रक्षा तुम लोग करते हो? हाँ, क्यों? कि तुम्हें इसकी सुरक्षा के लिए और ताकतवर लोगों को रखना चाहिए। तुम्हें लगता है हम इतने ताकतवर नहीं कि इस क्यूब की रक्षा कर सके? बुद्धिमान कालिया, हम तुम्हें अपने साथ लड़ने के लिए ललकारते हैं। कि कालिया सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं ताकतवर भी है। स्काई ड्रैगन, कालिया को चोट लग सकती है। नहीं भीम, शूज कालिया पर वार नहीं करेंगे, सिर्फ उसे अपने बचाव कला का नमूना पेश करेंगे। ये शूज तो बड़े तेज हैं। मैं और नहीं लड़ सकता। क्या तुम हमें अपनी युद्ध कला सिखा सकते हो? हाँ। और तुम्हें ये युद्ध कला सिखाने में हमें खुशी होगी। शिज़ू में हम अपनी सारी शक्तियों को शरीर के बीचों बीच केंद्रित करते हैं। छड़ी हमें अपना संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करती है। पेश करते हैं। अपने पैरों को फैलाओ और इस छड़ी को अपने इर्द गिर्द घुमाओ इस तरह। बच्चों और ध्यान लगो, अब कुछ कदम आगे बढ़कर हल्के से उछलो। ध्यान लगा के, ध्यान लगा के। शांति का प्रतीक है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि गुप्ती ग्रह समर्थक क्यूब का ग्रह है और हम उसे लेने आए हैं। और अगर तुम चाहते हो कि गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक बना रहे तो हमें चुपचाप उस क्यूब को ले जाने दो। से स्पेस जेल का बटन कौन सा है? हमने वो काला बटन दबाकर अब तक अंतरिक्ष के सारे महानायकों को ज्वाला जेल से छुड़ा लिया होता। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये तो स्पेस प्रिजन के दरवाजे खुल रहे हैं। अंतरिक्ष के सारे खलनायक आजाद हो जाएंगे।
सावधानी से आगे बढ़ना हाँ? होगा। काल तलवार जरूर पर्वत में ऐसी जगह छुपी है। आगे की छोड़ो बात, तो आ रहा है बुरा लांडा। तुम अपने दोस्तों और राजकुमार को लेकर निकल जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना स्काई ड्रैगन, और तुम सब भी दोस्तों। दो यही कहा था ना, फिर अकेले सिर्फ लांडा की
वापस आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ। भीम, वो देखो। काल तलवार ने राजकुमारी को ही नहीं, आकाश धारा को भी अपनी खोई सूरत लौटा दी। और मैंने एक ऐसी तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज ढूंढ निकाली है जो इन्हें जल्दी से कमजोर बना देता है। इनकी हालत तो और खराब होती जा रही है। पर तुम्हें उन लोगों को क्यूब ले जाने से रोकना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है उस्ताद। मेरी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मच्छू, क्योंकि इस तलवार से सुरक्षा कवच पर हमला तुम करोगे। छड़ी देखी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। लगता है ये नकली टोपी जादू नहीं करती। दोस्तों चलो यहाँ से। उनकी फिक्र मत कीजिए स्काई ड्रैगन, अब काफी देर तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे वो। लगता है ये खराब हो गया है।